नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलिया ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे जीवतिया व्रत कथा, या जिसे जीतिया या जीवित पुत्र का व्रत भी कहा जाता है, उसके बारे में। देखिए, ये जो व्रत कथा है बहुत ही प्रचलित है, बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन इसमें मैं इस वीडियो में मैं आपको दो व्रत कथाओं के बारे में बताऊंगी। एक तो जो महाभारत कालीन है और दूसरा जो जन लोक में बहुत प्रचलित है, जिसे जिमत वाहन की कहानी कही जाती है। तो देखिए, बहुत समय पहले की बात है कि जिमत वाहन जो थे वो गंधर्वों के बड़े ही उदार और परोपकारी राजा थे। जिमत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका जो मन था वो राजपाट में नहीं लगता था। वे राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं पिता की सेवा करने वन में चले गए थे। वहाँ पे जो इनका विवाह होता है वो मलयवती नाम की एक राजकुमारी के साथ हो जाता है। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमत वाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मेरे एक ही पुत्र है पक्षीराज गणुस के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड की बलि का दिन है। जिमत वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि हे माँ, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र की प्राणों की रक्षा करूँगा। आज उसके बजाय मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्य शिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जिमत वाहन ने शंखचूड के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे लपेटकर गरुण की बलि देने के लिए चुनी गई वध्य शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुण बड़े वेग से आए। वे लाल कपड़े में ढके जिमित वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चुंगल में गिरफ्तार प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह से आह निकलता न देखकर गरुण जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जिमित वाहन से उनका परिचय पूछा। जिमित वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुण जी उनके बाद जी और दूसरों की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुण जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जिमत वाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जिमत वाहन की पूजा की प्रथा प्रारंभ हो गई। तो निश्चित रूप से एक विशेष कथा है, जो कि जैसे कि एक कथा बताती है कि जो परोपकारी व्यक्ति होता है वो जनमानस में उसकी कथा एक साल दो साल नहीं परन युगों युगों तक लोग उसकी कथाओं को कहते हैं, गाते हैं, सुनते हैं और याद रखते हैं। अब जो ये दूसरी जो व्रत कथा है, ये महाभारत कालीन है और बहुत ही प्रसिद्ध कथा है। और देखिए, ये जो कथा है ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड राज्यों में भी इस पौराणिक कथा को कहा जाता है। तो माना जाता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अश्वत्थामा नाम का जो हाथी था वो मारा गया। लेकिन चूंकि उसको मारने के पीछे भी एक बड़ी कहानी है, क्योंकि वो द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था और द्रोणाचार्य को कोई भी इसलिए नहीं मार सकता था क्योंकि वो स्वयं सभी पांडवों के गुरु थे। तो उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर के मुँह से बस ये कहलवाया था कि अश्वत्थामा मारा गया और वो थोड़ी देर रुक कर बोलते हैं एक हाथी। लेकिन जब उन्होंने बोला अश्वत्थामा मारा गया तो द्रोणाचार्य को लगा कि शायद उनका पुत्र मारा गया और उन्होंने उसी समय अपने वाण छोड़ दिए, जिसकी वजह से द्रोणाचार्य ने चूंकि शोक में अस्त्र डाल दिए थे और जो द्रौपदी के भाई थे धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया, क्योंकि पांडव उनका वध नहीं कर सकते थे क्योंकि वो उनके गुरु थे। जब यह बात अश्वत्थामा, जो कि गुरु द्रोणाचार्य के जो पुत्र थे, उनको पता चलती है तो उनके मन में प्रतिशोध की जो अग्नि थी वो बहुत जल रही थी। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए रात्रि के अंधेरे में पांडव समझकर पांडवों के पांचों पुत्रों की भी हत्या कर दी, जिसके कारण पांडवों को अत्यधिक क्रोध आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के जो सिर पर एक मणि थी वो भी उससे छीन ली, जिसके बाद अश्वत्थामा पांडवों के साथ साथ श्री कृष्ण भगवान जी से भी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया और उसने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी जान से मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस बात से भली बात से परिचित थे कि ब्रह्मास्त्र को रोक पाना असंभव है, लेकिन उन्होंने पांडवों के पुत्र की रक्षा करना अति आवश्यक था।
तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल एकत्रित करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वह उत्तरा के गर्भ में पल रहा बच्चा पुनर्जीवित हो गया और यह बच्चा ही बड़ा होकर राजा परीक्षित बना। उत्तरा के बच्चे के दोबारा जीवित हो जाने के कारण ही इस व्रत का नाम जीवित पुत्र का व्रत पड़ा और तब से ही संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत जनमानस में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इस व्रत कथा के अलावा एक बहुत छोटी सी और भी कथा है जो कि मिथिला के राज्यों में बहुत ज़्यादा कही जाती है। देखिए, जो व्रत कथाएँ होती हैं निश्चित रूप से जनमानस में प्राचीन काल की यादों को तो ताज़ा करती ही करती हैं, साथ ही साथ हम एक आप कह सकते हैं सामाजिक सरोकार को भी बढ़ाती है। लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठा होकर कुछ पर्वों को मनाते हैं। चूँकि इस बार आप लॉकडाउन का तो समय नहीं है, लॉकडाउन तो खुल गया है, लेकिन कोरोना होने की वजह से थोड़ा इस व्रत में थोड़ा सहजता के साथ और आप कह सकते हैं थोड़ा दूरी बनाकर इस व्रत को करें। क्योंकि देखिए, दो तीन दिन तक महिलाएं कुछ भी नहीं खाएंगी, व्रती महिलाएं वैसे भी शरीर से थोड़ी कमज़ोर हो जाएंगी। तो आप इस कथा को भी यदि सुनते हैं और दूसरों को सुनाते भी हैं तो भी आपको इस व्रत कथा को करने का बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो देखिए, माना जाता है कि व्रत कथा को सुनना और जो सुना रहा है उसके लिए भी बहुत लाभ का कार्य होता है। इसलिए इस व्रत को यदि आप सुनते भी हैं, आप कहीं नहीं भी जा सकते तो भी आपके लिए बहुत पुण्यदायी होगा। तो एक जो और छोटी सी कथा है वो और बताना चाहूँगी कि माना जाता है कि एक बार एक गरुण और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने अष्टमी के दिन महिलाओं को पूजन करते और उपवास करते देखा और उस दिन अश्विन कृष्ण की अष्टमी थी और वे खुद भी इसको देखकर उनकी बहुत कामना हुई कि वो भी अपनी संतानों के लिए इस व्रत को उपवास को करते। लेकिन चूंकि उपवास बड़ा लंबा था, कठिन था, तो लोमड़ी तो भूख के कारण बेहोश हो गई और वो चुपके से उसने भोजन कर लिया और दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए जितने भी बच्चे थे वो जन्म के कुछ समय बाद तो खत्म हो गए, लेकिन जो चील की संतान थी उसको लंबी आयु का वरदान ईश्वर ने इस व्रत की वजह से उनको दिया। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति अश्विन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में जिमुत वाहन की पूजा करती हैं, इस पवित्र व्रत कथा को सुनती हैं और इसके साथ साथ भगवान शंकर व माता पार्वती का पूजन करती हैं, क्योंकि जो विशेष रूप से प्रदोष काल में जब आप इस जिमित वाहन की पूजा करते हैं और कुछ उनके खाने के लिए, खासकर चीलों के लिए, सियार के लिए, जो कि एक एक आप कह सकते हैं कि एक परंपरा है, तो थोड़ा सा खाना विशेष तरह से जानवरों के लिए निकाला जाता है और माना जाता है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को करता है ईश्वर उसके पुत्र और पौत्रों की रक्षा करते हैं। जो व्रत का पारण होता है वो अगले दिन अष्टमी की तिथि की समाप्ति के बाद ही किया जाता है और माना जाता है कि जो व्रत होता है वो अपने नाम के अनुसार ही फल देता है और व्रती व्यक्ति की जो संतान होती है वो दीर्घायु होती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारी के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।